नमस्कार, सारिकाज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दीपावली के बाद हमारे यहाँ सबसे बड़ा त्यौहार होता है छठ का, और मैं छठ पूजा करती हूँ। इस ब्लॉग में मैं आपको मैंने कैसे छठ पूजा सेलिब्रेट किया ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए हमारे साथ देखिए मैंने कैसे छठ पूजा मनाया। छठ बेसिकली बिहार, झारखंड और यूपी में ही मनाया जाता है। इसको महापर्व कहा जाता है क्योंकि ये 4 दिनों का होता है। पहला दिन नहाए खाए होता है। नहाए खाए के दिन चना दाल और कद्दू का सब्जी बनता है, चावल अरवा चावल बनता है, जो शुद्ध होके नहा धो के ही बनाया जाता है, क्योंकि छठ में शुद्धता का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और यहाँ देखिए हम पूजा के लिए गेहूँ सुखा रहे हैं, और इस जिससे कि खरना के दिन रोटी बनेगा और अर्घ के लिए ठकुआ बनेगा। इसमें भी कोई और नहीं सुखा सकता है इसको, जो व्रती होती हैं वही नहा धो के सुखाना होता है। और यहाँ हैप्पी मेरे पास आ आने जाओ के मेरे लिए बच्चा, परेशान था, और मेरा बेटा इसको रोके हुए था। चलो थोड़ा साइड हो जाना, उसको चेक कर देखो। क्या बेटा नहीं आने दे रहा भैया? अच्छा हम आते हैं थोड़ी देर में। बहुत जगह बहुत चीज बनता है, बट मेरे यहाँ यही बनता है, चना दाल कद्दू की सब्जी, अरवा चावल और आलू का भुजिया बस। और जब गेहूँ सूख जा गया उसके बाद हम आए थे खाने के लिए, यहाँ बैठ के हम खा रहे हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना होता है। यहाँ आम के लकड़ी पे हम गुड़ का खीर बना रहे हैं, जो कि दूध गुड़ और चावल से ही बनता है, और फिर इधर ये एक्स्ट्रा बना हुआ है, और फिर इसी आम के लकड़ी पे चढ़ाने के लिए रोटी बनाएंगे। भगवान के लिए जो भी चढ़ाने के लिए बनाएंगे वो आम के लकड़ी पे ही बनता है, और ज़्यादा जो बनता है उसको हम गैस चूल्हा पे बनाते हैं। यहाँ पे बन गया है हमारा खीर पूजा के लिए, और यहाँ हम गुड़ डाल दिए हैं पानी में फूलने के लिए। खीर बनाने के बाद हमने रोटी बनाई, इसमें घी लगाएंगे, और फिर वही यही रोटी खीर और फल का प्रसाद शाम में भगवान को लगाया जाएगा, और फिर पूजा करने के बाद फिर यही हम एक टाइम खाएंगे। अब यहाँ शाम का समय हो गया है, यहाँ हम प्रसाद लगा रहे हैं। जितना सूप होता है एक सूप पे दो दो प्रसाद लगता है, इसीलिए आप यहाँ देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत सारा लगाएं, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारा सूप हो गया था। अगल बगल से भी सभी कोई दे दिए थे, तो करीब 15-18 के आसपास में हो गया था सूप, तो सब एक सूप का दो दो लगेगा। खीर है, इसके ऊपर से फिर हम सब खीर के ऊपर रोटी डालेंगे, फिर उस पे फल डालेंगे, फिर दूध दिया जाता है उस पे, और बस। अब हमने पूजा कर ली है और बस यही प्रसाद, मतलब तो अलग से ये नहीं, अलग से लेके थाली में फिर हम खाएंगे। वैसे तो मेरे यहाँ छठ
छठ पर्व में बहुत लोग आते हैं, करीब करीब 200-250 आदमी आते हैं प्रसाद खाने। बट इस बार कोरोना के चलते हम लोगों ने उन्हीं लोगों को बोला था जिनका की पूजा होता है, जो सूप देते हैं अपना पूजा करने के लिए। जैसे कि हमने बताया था 18 के आसपास में सूप था, बट यहाँ देखिए सबों ने मास्क पहन के रखा है। हम लोगों ने बोल दिया था कि प्लीज मास्क पहन के रखिएगा, देखिए सब मास्क में। छठ पर्व का तीसरा दिन सांझ का अर्घ होता है, और ये सब जो फल आए हुए हैं वो उसी प्रसाद के लिए आए हुए हैं, शाम में चढ़ेगा। और यहाँ पे अब ठेकुआ बनाना हम लोग शुरू कर दिए हैं। इसमें जो ठेकुआ बनता है घी का ही बनता है पूरा, अर्घ पे देने के लिए जो भी ठेकुआ बनेगा वो पूरा घी का बनेगा। आटा, गुड़, घी, बड़ी इलायची, नारियल, ये सब डाल के बनाया जाता है। और इस ठेकुआ का आटा जो होता है वो थोड़ा सा दानेदार होता है, स्पेशली बोल के बनाया पिसवाया जाता है आटा। और यहाँ पे हम लोग बैठ के बना रहे हैं। यहाँ पे हमने सबको सजा लिए हैं, सूप सजा लिए हैं। छठ प्रकृति को पूजने का पर्व भी होता है। सर्दियों में जो भी फल सब्जियां होती हैं उन सब को सूप में सजा के हम भगवान सूर्य को अर्पण करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सूर्य सृष्टि के ऊर्जा का सबसे बड़े स्रोत है। पिछले 27 साल से हमारे यहाँ छठ होता आया है। पहले मेरी सास करती थी, मैं 2 साल से शुरू की हूँ छठ, और करीब 17 साल से हम अपने घर के ऊपर में टैंक बना के ही छठ करते हैं। पहले घाट पे जाते थे, बट कुछ कारणों से घाट पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो फिर हम लोग अपने छत पे ही टैंक बना के इसी में छठ करते हैं। शाम का अर्घ देते देते बिल्कुल अंधेरा हो गया था, और इस तरह छठ का तीसरा दिन समाप्त होता है। चौथे दिन उदयगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आज के दिन सूप को पूर्व की ओर मोड़ के रखा जाता है।
शाम के अर्घ में उसका मुंह पश्चिम की तरफ रखता है और सुबह वाले में पूर्व की ओर रहता है। सब कोई आ गए हैं छत पे अर्घ देने के लिए। ठंड उस दिन थोड़ा सा बढ़ गया था, मेरा तो हालत खराब था पानी नहीं पीने के कारण। सबको यहाँ पे अर्घ दे रहे हैं और अर्घ देने के बाद फिर हवन होगा और उसके बाद फिर हम सबको सिंदूर लगाएंगे, खोइंचा देंगे। बस इसी के साथ छठ पर्व का 4 दिन का महापर्व का समापन हो जाता है। थकावट तो बहुत हो जाता है छठ पर्व में, बट अच्छा बहुत लगता है। जब पर्व समाप्त हो जाता है तो बहुत खाली खाली घर लगता है, क्योंकि इस 4 दिन से लोगों का आना जाना चहल पहल, घर में एक रौनक लगा हुआ था। देखिए इसमें अर्घ दिया जा रहा है सुबह वाले में, सब कोई अर्घ दे रहे हैं, जिनका अपना अपना है सब अपने अपने शुभ का अर्घ दे रहे हैं। हम हवन कर रहे हैं, हवन हो गया है, इसके बाद फिर सबको सिंदूर लगा के और प्रसाद देंगे और इसी के साथ छठ पर्व का समापन होगा। जय छठी मैया।